गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैट फिजियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट में क्या होता है, एक कंडीशन है जिसमें कि हमारा चेस्ट ऑल टाइम इन्फ्लेटेड होता है और उसके साथ हमारा जो रिब केज है वो ब्रॉडनिंग होता है। तो बैरल चेस्ट एक कंडीशन जिसमें कि हमारा ऑल टाइम इन्फ्लेटेड होगा और किसके साथ हमारा जो रिब केज है वो ब्रॉडनिंग होगी। एक रफ डायग्राम की तरह समझाते हैं, जैसे कि हमारे एक नॉर्मल चेस्ट ट्रांसवर्स सेक्शन में नॉर्मल चेस्ट ऐसा होगा, जो नॉर्मल चेस्ट वॉल शेप होगा स्ट्रक्चर वो ऐसा होगा, जिसमें कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर ऐसे होंगे। बट जब बैरल चेस्ट होना स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, एक बैरल की फॉर्म में शेप या हमारा जो चेस्ट शेप है स्ट्रक्चर बैरल फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें हमारा जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और जिससे कि धीरे धीरे बैरल फॉर्म में फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो नॉर्मल जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल डायमीटर रेशियो होता है वो था हमारा 0.70 एंड 0.75। तो हमारा जो नॉर्मल डायमीटर होता है रेशियो 0.70 रेशियो टू 0.75। बट इन बैरल चेस्ट में द रेशियो of anterior posterior and lateral diameter is anterior posterior greater than lateral, ठीक है, और कितना greater होगा 0.9, okay। तो बैरल चेस्ट में क्या हो रहा है, नॉर्मल अगर रेशियो की बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल डायमीटर रेशियो जो होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हमारा लेस होता है किससे, लेटरल डायमीटर से, कितना 0.70 रेशियो 0.75। बट इन बैरल चेस्ट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज इंक्रीज ग्रेटर देन लेटरल डायमीटर 0.9। तो ये कंडीशन में ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है हमारा बैरल चेस्ट का मैकेनिज्म, मतलब किससे साथ क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे। तो सबसे पहले ओवर एक्टिविटी होती है इसमें मसल की, ओवर एक्टिविटी ऑफ मसल। अब कौन कौन सी मसल है वो देखते हैं। तो मेनली इसमें हमारे दो मसल आते हैं, एक तो आती है हमारी स्केलेनी मसल और दूसरी आती है हमारी SCM स्टेनोकोलोडियोमास्टॉइड मसल। अब इनके आती है क्योंकि हमारा जैसे कि चेस्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनका रोल होता है। अब ये क्या करते हैं, अगर इनका ओवर यूज होगा तो ये क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे किसको, अपर लिप को, लिफ्ट द अपर लिप। अब अपर लिप को ये लिफ्ट करेंगे, ओवर यूज होगा तो जो हमारा चेस्ट शेप स्ट्रक्चर है वो बैरल फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का ओवर यूज कब होगा, जब कोई डिजीज होगी तभी तो ये मसल वो अपना ज्यादा काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज हो रही है, मान लो वहां पे अच्छे से रेस्पिरेशन में हो नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी चीफ मसल है उनके अलावा दूसरी जो मसल होती है वो उसमें वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो इन दोनों का अगर ओवर यूज होगा तो ये क्या करेंगे, लिफ्ट द अपर लिप, अपर लिप को स्टार्ट ऊपर करेंगे तो क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर हमारा डायमीटर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो जो बैरल चेस्ट फॉर्म है उसका फॉर्म सेफ, जो चेस्ट वॉल चेस्ट सेफ है बैरल फॉर्म में स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट होगा तो इसके साथ जो मैकेनिज्म है उसमें जो कॉज कर रहा है वो तो नंबर एक हमारा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा उसके चेंजेस आएंगे तब तो स्टार्ट होगा, सीओपीडी होगा तब होगा। सीओपीडी में मेनली कौन सा, एम्फीसीमा, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें कैसे स्टार्ट होता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में कैसे क्या चेंज आता है जिससे कि वायरल चेस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या एक डिजीज है जिसको कि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वियर एंड टियर टाइप डिजीज। इसमें क्या होता है, जो डिजनरेशन चेंज आते हैं, जो कार्टिलेज होता है हमारा, बोन एंड होती है वहां पे, तो वहां पर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है जिससे कि हमारा डिजनरेशन चेंज स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है तो रिब केज है, तो वहां पर अगर होगा इसका फॉर्मेशन तो हमारी रिब्स क्या करेंगे, जो हमारे स्पाइन है उसके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। अटैच इन द सेंस मतलब कि मूवमेंट लो होगी और स्टिफनेस आएगी, तो रिब केज अटैच विद द स्पाइन, जिससे कि वहां पे क्या होगा, स्टिफनेस आएगी। स्टिफनेस किस में आएगी, मूवमेंट में, मूवमेंट में आएगी तो लेस फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये किसके साथ अटैच हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ। अब इसमें क्या होगा, जब ये फ्लेक्सिबिलिटी चली गई, इसकी स्टिफनेस आ गई, तो क्या होगा, रिब जो होते हैं हमारे कहाँ को जाएंगे, आउटवर्ड को, रिब्स तो हमारा रिब्स स्टक हो जाएंगे आउटवर्ड को। तो आउटवर्ड को होंगे तो क्या बढ़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, रिब्स आउटवर्ड हो में स्टक हो जाएगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ेगा और रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, तो बैरल चेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सीओपीडी में, सीओपीडी इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसमें कि हमारे दो होते हैं, एक तो होता है एम्फिसिमा और दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो इन दोनों की वजह से हमारा क्या होगा, लंग्स में डैमेज करते हैं, लंग्स में डैमेज करेंगे तो क्या क्या करेंगे, नंबर एक म्यूकस सिक्रीशन बढ़ता है तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, नंबर दो डैमेज करते हैं किसको, एल्वियोलर वॉल को। अब एल्वियोलर वॉल को डैमेज करेंगे तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, जिससे कि हमारा चेस्ट से बैरल फॉर्म हो जाता है। अभी बैरल फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, तो वही हमारा जो ओवर यूज हो रहा है मसल का, वो क्या करेंगे, अपर रिब्स को लिफ्ट करेंगे, जिससे कि एंट्रियर पोस्टरियर डायमीटर इंक्रीज होगा, तो बैरल फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा जो मसल होती है रेस्पिरेटरी, वो वर्क, उनका वर्क स्टार्ट होगा, वो ओवर यूज करेंगे, जिससे कि रिब्स को आउटर आउटवर्ड एंड अपर साइड को लिफ्ट करेंगे, जिससे कि एंट्री पोस्टर डायमीटर बढ़ेगा, तो बैरल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ओके, तो हमने ये देखा कि बैरल चेस्ट में क्या होता है, एक इन्फ्लेटेड, ऑल टाइम इन्फ्लेटेड एंड विथ रिबकेज ब्रॉडनिंग, तो बैरल चेस्ट में ये होता है, इसमें एंट्री पोस्टर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। और इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स और एनएसएड्स का यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ये था हमारा पैरल टेस्ट।